खबर शामिल करते हैं। हेड देगी बंगला में तैनात असिस्टेंट सब इंजीनियर अशरफ ने करप्शन की इंतहा कर दी। मौसूफ देगी बंगला अस्पताल की कदीम इमारत को अपनी जाती जागीर समझते हुए पुरानी इमारत की छत का सामान गायब कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अब तो करप्शन गैंग अशरफ बाबू ने अरसा 8 साल से देगी बंगला में तैनात है। इसने देगी बंगला में बहुत से जानवरों को पाल रखा है, जिसकी देखभाल के लिए सरकारी तौर पर तैनात बेलदारों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि तनख्वाहें गवर्नमेंट से वसूल करते हैं, लेकिन ड्यूटी अशरफ बाऊ के मवेशी फार्म पर सर अंजाम देते हैं। अहले इलाका ने इस बा असर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। आपको एक बार फिर से आगाह किए चलते हैं, हेड देगी बंगला में तैनात असिस्टेंट सब इंजीनियर अशरफ ने करप्शन की इंतहा कर दी। मौसूफ देगी बंगला अस्पताल की कदीम इमारत को अपनी जाती जागीर समझते हुए पुरानी इमारत की छत का सामान गायब कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अब तो करप्शन गैंग अशरफ बाऊ ने अरसा 8 साल से देगी बंगला में तैनात है। इसने देगी बंगला में बहुत से जानवरों को पाल रखा है, जिसकी देखभाल के लिए सरकारी तौर पर तैनात बेलदारों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि तनख्वाहें गवर्नमेंट से वसूल करते हैं, लेकिन ड्यूटी अशरफ बाऊ के मवेशी फार्म पर सर अंजाम देते हैं। अहले इलाका ने इस बा असर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। तहसील रिपोर्टर, पंजाब रंग न्यूज़।